आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। हेलो दोस्तों, आज हम ड्रॉ करेंगे एक आइसक्रीम ट्रक। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले बनाएंगे एक पहिया, फिर एक वैन, एक हेडलाइट और अब दूसरा पहिया। एक बड़ी सी खिड़की और उसका बॉर्डर, यहीं से तो करेंगे हम आइसक्रीम ऑर्डर। बारी है छोटे से रूफ की, थोड़ी लाइंस बनाओ, एक फ्रंट विंडो और छोटे छोटे डिटेल्स। अब एक बड़ी सी आइसक्रीम ट्रक के ऊपर, लग रही है ना सुपर से ऊपर। यम्मी यम्मी, किसकी है कमी, रंगों की। चलो करें पेंटिंग। मेन बॉडी में करो चमकीला पिंक, बहुत बढ़िया। चलो अब ऊपरी हिस्से में भरो ग्लिटरी येलो। स्पार्कलिंग व्हाइट विंडो के बॉर्डर्स पर, चमकीला ग्रीन पहियों के ऊपर। ये अब पहियों के बीच में ब्राउन कलर। ट्रक के इंटीरियर्स में भरो ग्लिटरी स्काई ब्लू, वुहू। क्या बात है दोस्तों, एक्वा ब्लू ट्रक की छत के लिए, चमकीला धमकीला लाल रंग भरेंगे अल्टरनेट स्ट्राइप्स में और बाकी के जगह पर भरेंगे हरा भरा ग्रीन। हो गया ना हमारा ट्रक रंगीन। पहले छोटी आइसक्रीम्स को कलर करो। फिर बड़ी आइसक्रीम की ओर बढ़ो, जो है चॉकलेट फ्लेवर यानी ब्राउन कलर की। और आखिर में कोन में होगा पीच कलर। हो गया ना हमारा आइसक्रीम ट्रक रेडी। आइसक्रीम यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो दोस्तों, आ गया है हैलोवीन, तो चलो ड्रॉ करते हैं डरावनी कैंडीज। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं स्केलेटन कैंडी। बनाओ एक कैंडी स्टिक और एक स्कल का शेप, फिर उसके टीथ, नोज और आईज। अब ड्रॉ करेंगे मॉन्स्टर कैंडी। स्टिक के बाद उसका फेस, आईज और एक स्माइली। अब बनाएंगे गोस्ट कैंडी। एक स्टिक पर गोस्ट का शेप और डरावनी आईज। और लास्ट में पम्पकिन कैंडी। इसके लिए स्टिक के ऊपर एक सर्कल और पम्पकिन का डरावना फेस। चलो भरे इनमें कलर्स। स्कल में भरेंगे स्पार्कलिंग पर्पल, आंखें और दांतों के लिए येलो। अब ग्रीन करेंगे नोज और स्टिक पर, बचे हुए स्टिक पर ऑरेंज।
मॉन्स्टर के हेयर के लिए ब्राउन कलर, आईज पर ऑरेंज। और मॉन्स्टर का फेस कौन से कलर का होता है? ग्रीन। माउथ के लिए पिंक कलर। स्टिक में करेंगे हम कलर्स ऐड, जो है ब्लू, और रेड। गोस्ट कैंडी के लिए पिंक कलर कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। अब ब्लू और येलो। ये तो काफी डरावना लग रहा है। चलो स्टिक में भरो ग्रीन और ऑरेंज। हमारी पंपकिन कैंडी होगी येलो कलर की। अब थोड़ा सा रेड कलर, माउथ के लिए पिंक, और फाइनली ब्लू। हो गई हमारी कैंडीज रंगीन, चलो मनाने चले हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन, फिर मिलेंगे, बाय बाय। हम ड्रॉ करेंगे एक स्पार्कलिंग पॉपिट यूनिकॉर्न। शुरू करेंगे यूनिकॉर्न के आउटलाइन से। आपको पता है यूनिकॉर्न की खासियत होती है उसकी एक सींग। अब बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। याद रहे लाइंस के बीच के गैप्स इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल सही। अब इन स्ट्राइप्स में सर्कल्स ड्रॉ करो। पॉपिट के साथ खेलना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। अब बॉर्डर को थोड़ा और थिक करो और पेंटिंग के लिए आगे बढ़ो। सबसे पहले फिल करेंगे स्पार्कलिंग रेड कलर। ऊपरी हिस्से से शुरू करेंगे और दूसरी स्ट्रिप में भी शाइनी रेड कलर भरेंगे। बहुत बढ़िया। अब बारी है ऑरेंज कलर की। Thank you.
ऑरेंज भर दिया हमने सारा, यूनिकॉर्न दिखेगा कितना प्यारा। इसके बाद हम फिल करेंगे येलो कलर। येलो से हमारा यूनिकॉर्न कितना सुंदर लग रहा है ना? अगले स्ट्रिप में भरो ग्रीन। देखो हो गया ना यूनिकॉर्न कितना रंगीन। और इसके बाद हमारा फेवरेट कलर स्काई ब्लू। और ब्लू कलर के लिए क्या कहोगे? वूहू! बचे हुए हिस्से में फिल करो स्पार्कलिंग पर्पल कलर। ये हो गया हमारा पॉपिट यूनिकॉर्न तैयार। और तड़ा, फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, हमें पता है आपको हैलोवीन बहुत पसंद है, तो चलो आज हम ड्रॉ करेंगे एक हैलोवीन विच। क्या आप तैयार हैं? तो चलो शुरू करेंगे विच के फेस की आउटलाइन से, बनाएंगे उसकी हैट। अब ड्रॉ करेंगे उसके बाल और उसकी ड्रेस। अरे ये तो अभी से ही डरावनी विच दिख रही है। आगे बढ़ेंगे उसके हाथों की ओर और हाथों में एक फ्लाइंग ब्रूमस्टिक। ब्रूमस्टिक के एजेस को जिगजैग बनाओ और उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और आखिर में उसके लेग्स। साइड में एक स्टार और एक स्पूकी स्पाइडर। थोड़े और स्टार्स और एक क्यूट सा बैट। तो चलो अब इसमें रंग भरें। स्पार्कलिंग पर्पल यूज करेंगे विच के हैट पर। चलो चलो अब करेंगे येलो। येलो के बाद
ब्लू और रेड। विच को बनाएंगे हम रंगीन, अब यूज करेंगे कलर ग्रीन। अब पर्पल कलर करेंगे विच की ड्रेस पर। येलो से हुई इसकी ड्रेस ब्राइट। उसके बाद पिंक होगा एकदम राइट। बहुत बढ़िया। जब यूज करेंगे कलर पीच, तभी तो रियल लगेगी हमारी विच। ब्रूमस्टिक को कलरफुल बनाने के लिए हम लेंगे ब्लू, फिर येलो, पर्पल, रेड और ग्रीन। चलो बच्चों, बताओ ब्रूमस्टिक का ब्रश कौन से कलर का होता है? यस, वो होता है ब्राउन कलर का। ग्रीन कलर फिल करेंगे सॉक्स पर। विच के शूज होंगे रेड। सॉक्स के गैप में फिल करो ऑरेंज। आगे बढ़ो और बैट में स्पार्कलिंग ब्लैक कलर फिल करो। हमारे स्टार्स होंगे कलरफुल, तो भरो इनमें स्पार्कलिंग येलो, ब्लू और ग्रीन। स्पाइडर की आईज में जाएगा येलो और बॉडी पे चमकीला पिंक। तो ये चली हमारी डरावनी विच अपनी ब्रूमस्टिक पर। चलो हमारे साथ हैलोवीन राइड पर। हैप्पी हैलोवीन। फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज हम ड्रॉ करेंगे एक स्पार्कलिंग पॉपिट यूनिकॉर्न। शुरू करेंगे यूनिकॉर्न के आउटलाइन से। आपको पता है यूनिकॉर्न की खासियत होती है उसकी एक सींग। बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। याद रहे, लाइंस के बीच के गैप्स इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल सही। अब इन स्ट्राइप्स में सर्कल्स ड्रॉ करो। पॉपिट के साथ खेलना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। अब बॉर्डर को थोड़ा और थिक करो और पेंटिंग के लिए आगे बढ़ो। सबसे पहले फिल करेंगे स्पार्कलिंग रेड कलर। ऊपरी हिस्से से शुरू करेंगे और दूसरी स्ट्रिप में भी शाइनी रेड कलर भरेंगे। बहुत बढ़िया।
बारी है ऑरेंज कलर की। ऑरेंज भर दिया हमने सारा, यूनिकॉर्न दिखेगा कितना प्यारा। इसके बाद हम फिल करेंगे येलो कलर। येलो से हमारा यूनिकॉर्न कितना सुंदर लग रहा है ना? अगले स्ट्रिप में भरो ग्रीन। देखो हो गया ना यूनिकॉर्न कितना रंगीन। और इसके बाद हमारा फेवरेट कलर स्काई ब्लू। और ब्लू कलर के लिए क्या कहोगे? वूहू! बचे हुए हिस्से में फिल करो स्पार्कलिंग पर्पल कलर। ये हो गया हमारा पॉपिट यूनिकॉर्न तैयार। और तड़ा, बाय बाय। हेलो दोस्तों, आ गया है हैलोवीन। तो चलो इस हैलोवीन बैट को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एक सर्कल जो होगा बैट का फेस। इसके बाद ड्रॉ करेंगे ईयर्स, दो और सर्कल्स आंखों के लिए, एक नोज और फिर एक खौफनाक स्माइल। अब बारी है बैट के शरीर यानी बॉडी की, फिर उसके छोटे छोटे लेग्स और बड़े से विंग्स। विंग्स के अंदर हाफ अम्ब्रेला जैसे डिजाइन बनाओ। तो गुरु करे पेंटिंग शुरू। फेस के लिए लेंगे स्पार्कलिंग येलो कलर। येलो हुआ बैट का फेस, तो पर्पल रहेगा आईज का बेस। अब लेंगे स्पार्कलिंग रेड ब्लू और थोड़ा सा पिंक। सिल्वर होंगे बैट के टीथ।
अब कलर करेंगे इसके विंग। सबसे पहले लेंगे स्पार्कलिंग पिंक। अरे बाप रे, इसका फेस कितना डरावना लग रहा है। अगर करना है इसके विंग्स रंगीन, तो ले लो थोड़ा सा स्पार्कलिंग ग्रीन। ग्रीन के बाद रेड यूज करो और बैट को रंगीन बना लो। बहुत खूब। बॉडी के आउटलाइन पर होगा ब्लू, तो मेरे साथ कहो यूहूहू। और ब्लू के बाद पर्पल अच्छा लगेगा ना? क्यों नहीं, बहुत अच्छा। आखिर में पैरों पे ब्राउन। कितने अच्छे से इसमें हमने रंग भरा। हैलोवीन मनाने हमारा डरावना बैग चल पड़ा। फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज हम ड्रॉ करेंगे एक हैलोवीन पंपकिन। शुरू करेंगे एक ट्रायंगल नोज और आई से, फिर एक बड़ी सी स्पूकी स्माइल। अब ड्रॉ करेंगे एक पंपकिन का शेप और कुछ लाइंस। आखिर में पंपकिन का स्टेम। थोड़े स्टार्स बना लो यार, तब होगी हमारी ड्राइंग तैयार। बहुत अच्छे। चलो अब करें पेंटिंग शुरू। पंपकिन के एक स्ट्रिप में फिल करो स्पार्कलिंग ग्रीन कलर और फिर स्काई ब्लू। वूहू। अगले स्ट्रिप के लिए लेंगे पिंक कलर। और फिर रेड कलर। अरे ये लाल कितना कमाल लग रहा है। बीच के स्ट्राइप में फिल करो कलर येलो। हमारा पंपकिन कितना कलरफुल बन गया है ना? पंपकिन की डरावनी स्माइल में पर्पल कलर कैसा लगेगा दोस्तों? अरे ये तो बहुत खौफनाक लग रहा है। नोज में फिल करो चमकीला रेड कलर और आईज में ग्रीन कलर। स्टेम पर भी करेंगे स्पार्कलिंग ग्रीन। हो गया कलरफुल हमारा पंपकिन। अब है स्टार्स को पेंट करने की बारी। येलो से होगी शुरुआत हमारी। पर्पल कलर है कितना ब्राइट, उसके बाद ब्लू रहेगा एकदम राइट। बहुत बढ़िया। ग्रीन ने दिखाया अपना कमाल। रेड कलर ने तो मचा दिया धमाल। हमारे स्टार्स कर रहे हैं ब्लिंक। लास्ट होगा स्पार्कलिंग पिंक। तो ट्रिक और ट्रीट के लिए तैयार हो जाओ हमारे हैलोवीन पंपकिन के साथ।
फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, क्या आप एक बेबी शार्क ड्रॉ करना पसंद करोगे? हाँ तो चलो चलें। शुरू करो शार्क के आउटलाइन से। एक टेल और एक फ्लावर। शार्क के फिन्स ड्रॉ करो, उसके बाद आईज और चीक। एक स्माइली तो बनती है। टाडा! बेबी शार्क में अब रंग भरेंगे। शार्क की बॉडी के लिए यूज करो ब्लू। कलर ब्लू टू 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 डू टू डू, कलर ब्लू टू 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 डू टू डू, कलर ब्लू टू 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 डू टू डू, कलर ब्लू। इस कलर में बेबी शार्क कितनी सुंदर दिख रही है। पेट और मुंह के लिए यूज करो स्काई ब्लू। वूहू! अच्छा कर रहे हो दोस्तों। बहुत बढ़िया। फ्लावर के पेटल्स के लिए येलो और चीक्स के लिए पिंक। मजा आया इसमें रंग भरने। ये चली हमारी बेबी शार्क तैरने। बेबी शार्क टू-टू-टू-टू-टू, बेबी शार्क टू-टू-टू-टू-टू, बेबी शार्क। फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, चलो ड्रॉ करें सांता, रेनडियर और क्रिसमस ट्री। सबसे पहले सांता की बारी। शुरू करेंगे आउटलाइन से, बनाएंगे उसकी दाढ़ी, कैप, आंखें, नाक और मुंह। अब बनाएंगे सांता की गोल मटोल बॉडी। उसके बाद सांता के हाथ। अरे देखो, सांता हाई फाई कर रहा है। अब बनाओ सांता के पैर। बॉर्डर को थोड़ा मोटा बनाओ। रंग भरने के लिए तैयार हो जाओ। हो हो हो। सांता का कॉस्ट्यूम होता है रेड, तो इसमें हम भरेंगे रेड कलर। ये लाल दिख रहा है ना, बहुत कमाल। रेड ड्रेस में सांता कितना क्यूट लग रहा है। अब लेंगे चमकीला व्हाइट। सांता की दाढ़ी में भी भरेंगे सफेद कलर। जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल सब गाए, देखो देखो हमारे लिए सांता तोहफे लाए। सांता के फेस में भरेंगे पीच कलर। हाथों के लिए इस्तेमाल करो शाइनी ब्लैक कलर। बेल्ट भी होगी सेम कलर की और जूते में भी ब्लैक कलर फिल करो। अब क्या बचा है? हाँ, दूसरा हाथ और बकल में येलो। हो हो हो, ये बन गया हमारा सांता क्लॉस। अब जाएंगे सांता की सवारी की ओर और बनाएंगे रेनडियर। शुरू करेंगे रेनडियर की टोपी से। टोपी के बाहर निकलते हुए हम ड्रॉ करेंगे उसके हॉर्न्स यानी सींग। आगे बढ़ेंगे और बनाएंगे इसके कान और प्यारा सा फेस।
दो आँखें, एक नाक और एक क्यूट सा छोटा सा मुंह। ठंड से बचने के लिए एक स्कार्फ बनाते हैं और फिर बनाएंगे रेंडियर की बॉडी। स्टार्ट करेंगे पैरों से इस बार, 1, 2, 3, 4। ये क्या है? रेंडियर की पूंछ। बॉर्डर को थोड़ा सा थिक करो। बहुत अच्छे। ड्राइंग तो हो गई पूरी, लेकिन कलर्स भरना है जरूरी। सींग पर करेंगे चमकीला डार्क ब्राउन कलर। लाल भरेंगे रेंडियर की टोपी में। है ना ये सांता से मैचिंग? स्कार्फ में भी रेड कलर। फिर से ब्राउन कलर भरेंगे कान, नाक, मुंह और पैरों में। फिर लाइटर ब्राउन भरेंगे बाकी के कान में, चेहरे, और बॉडी में, क्योंकि रेंडियर ब्राउन कलर का होता है। अब मुंह और पेट में भरेंगे चमकीला येलो कलर। आखिर में पिंक, टिडिंग, ये बन गया हमारा रेंडियर। लेकिन क्रिसमस तो क्रिसमस ट्री के बिना अधूरा होता है। चलो बनाते हैं एक क्रिसमस ट्री। सबसे पहले एक सितारा और फिर हमारी क्रिसमस ट्री, जो होगी 3 लेयर की। 1, 2, 3। और एक स्टेम, उसको सजाएंगे बबल्स के साथ। ये तो अभी से ही क्यूट लग रहा है। अब बनाएंगे इसका बॉर्डर। बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्तों। कलर टाइम। स्टार के लिए यूज करेंगे स्पार्कलिंग येलो और स्पार्कलिंग ग्रीन क्रिसमस ट्री के लिए। क्रिसमस ट्री तुम दिखती कितनी प्यारी, हरे रंग में हो लिपटी, खुशियां लाई ढेर सारी। वाओ, कलर स्टेम के लिए और बॉबल्स को रंग बिरंगे कलर से भर दो। वाओ, रेडी हो गया हमारा क्रिसमस ट्री। बहुत बढ़िया। मैरी क्रिसमस दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, क्या आपको स्पोर्ट्स पसंद है? है ना? तो चलिए आज हम ड्रॉ करेंगे अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स बॉल्स। ये
शुरुआत करेंगे सॉकर बॉल के साथ। तो सबसे पहले एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, फिर साइड्स में आधे पेंटागन्स ड्रॉ करेंगे और बीच में एक पूरा पेंटागन। फिर सबको लाइंस के साथ जोड़ दो। कितना इजी है ना? अब बॉर्डर को और थोड़ा डार्क बनाओ। वाओ! अब है पेंटिंग की बारी। ब्लैक कलर भरिए अल्टरनेट पेंटागन्स में। बचे हुए हिस्से में भरो ऑफ व्हाइट कलर। ये हुई ना बात, तो चलो एक मैच हो जाए। सॉकर बॉल। आगे बढ़ते हैं, अब ड्रॉ करेंगे एक बास्केटबॉल। शुरू करते हैं थिक सर्कल के साथ। अब बारी है इसमें रंग भरने की। बास्केटबॉल होता है ऑरेंज कलर का। बास्केटबॉल ड्रॉ करना बहुत ही इजी है। सर्कल के अंदर बस थोड़े कर्वी लाइंस। और ये बन गया हमारा बास्केटबॉल। चलो देखें नेक्स्ट क्या है। वॉलीबॉल। पहले एक सर्कल ड्रॉ करें, फिर इस प्रकार के लाइंस। थोड़ी और लाइंस बनाओ और कलर भरने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले फिल करेंगे ब्लू कलर। दोस्तों, कलर्स अल्टरनेटिव स्ट्राइप्स पे भरें, यानी एक छोड़ के एक। अब है बारी येलो की। मुझे तो बीच पर वॉलीबॉल खेलने में बहुत मजा आता है।
बचे हुए हिस्सों में थोड़ा लाइट ब्लू। बहुत बढ़िया। ये बन गया हमारा वॉलीबॉल। क्या आपको टेनिस खेलना पसंद है? क्योंकि अब है टेनिस बॉल की बारी। सर्कल ड्रॉ करो। इसके बाद इसमें दो सेमी सर्कल्स ड्रॉ करो और उसी आकार के लाइंस बनाओ। अब बढ़ते हैं पेंटिंग की ओर। टेनिस बॉल होता है लाइट ग्रीन कलर का। ये तो अभी से ही कितना सुंदर दिख रहा है। बचे हुए हिस्से में भरे लाइट ब्लू कलर। अरे वाह, ये बन गया टेनिस बॉल। चलो अब बारी है आखिरी बॉल की। एक बड़ा सा सर्कल, फिर उसके अंदर तीन छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करो। क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स बॉल है? जी हाँ, ये है एक बोलिंग बॉल। बोलिंग बॉल के लिए ग्रे कलर का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी के छोटे सर्कल्स के लिए ब्लैक। तो चलो चले बॉलिंग करने। तो स्पोर्ट्स बॉल्स ड्रॉ करने में मजा आया ना दोस्तों? फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो दोस्तों, ये चमकीली चीज क्या है? ये है एक रूबिक्स क्यूब। तो चलो मिलकर इसे ड्रॉ करें। शुरू करें उसकी आउटलाइन से और बनाएं एक हेक्सागन जैसा शेप। अब इसमें ड्रॉ करेंगे छोटे छोटे स्क्वायर्स। पहली लाइन में बनाएंगे तीन स्क्वायर्स, फिर दूसरी लाइन में भी तीन स्क्वायर्स और इस तरह से एक साइड पे हम बनाएंगे टोटल 9 स्क्वायर्स। अब यही रिपीट करेंगे बाकी के साइड्स पर। दोस्तों याद रहे, ये स्क्वायर सेम साइज के हो, वरना आपका रूबिक्स क्यूब टेढ़ा मेढ़ा बनेगा।
बहुत बढ़िया। चलो अब बॉर्डर को थोड़ा डार्क करते हैं और गैप्स में भी ब्लैक कलर फिल करते हैं। इससे हमारे क्यूब को मिलेगा एक मैजिकल इल्यूशन। ब्लिंग ब्लिंग। चलो शुरू करते हैं पेंटिंग। क्यूब के होते हैं 6 साइड्स, इसलिए इसमें हम भरेंगे सिर्फ 6 कलर्स। ब्लू, ऑरेंज और व्हाइट। लग रहा है ना हमारा क्यूब स्पार्कलिंग ब्राइट। रेड, ग्रीन और येलो। क्यूब को और रंगीन बना लो। क्या बात है। रंग होते हैं कितने प्यारे, हमने भर दिए इनमें सारे। ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू। बन गया हमारा रूबिक्स क्यूब। फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज हम ड्रॉ करेंगे एक बुलडोजर। शुरू करेंगे आउटलाइन के साथ। बुलडोजर के बकेट के लिए थोड़ा जिग-जैग लाइंस बनाओ यार, और एक कर्वी लाइन। इसके बाद व्हील्स की बारी। बुलडोजर के इस हिस्से को कहते हैं ट्रैक। ये है बकेट का बॉर्डर और उसकी क्यूट सी स्माइल। अब बनाएंगे विंडशील्ड और विंडो। हमारे बुलडोजर के लिए हम बनाएंगे उसका हेलमेट। बनाओ इसकी आंखें और थोड़े से डिटेल्स। वाह, क्या बात है। कुछ सीधी लाइंस, कुछ टेढ़ी लाइंस और कुछ डॉट्स बना लो। अब चलो पेंटिंग के लिए ब्रश उठा लो। शुरू करते हैं स्पार्कलिंग येलो से और हेलमेट के लिए ऑरेंज। अब अगला क्या है? रेड कलर पाइप्स के लिए और ग्रीन करेंगे मिरर पर। अब है बारी मेन बॉडी की, जिसमें हम भरेंगे येलो कलर।
बहुत बढ़िया। कितनी मस्त है इसकी डिजाइन, बुलडोजर कर रहा है सन की तरह शाइन। अब थोड़ा स्काई ब्लू, वूहू। बकेट के साइड में रेड कलर और बकेट के आउटलाइन पर ऑरेंज। कितना सुंदर दिखेगा हमारा ट्रैक जब इसमें फिल करेंगे चमकीला ब्लैक। ब्लैक के साथ पिंक कलर कैसा रहेगा? बढ़िया। सर्कल्स में भरो ग्रीन कलर और ब्राउन जाएगा व्हील्स के अंदर। अब रेड की बारी और आखिर में लेंगे थोड़ा ग्रीन, तो दिख रहा है ना हमारा बुलडोजर रंगीन। मजा आया इसमें कलर भरकर। देखो रेडी है हमारा बुलडोजर। तो दोस्तों चले अब काम पर। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चिकी आर्ट हिंदी।